स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत स्वागत है। आज हम सातवीं छठी से आठवीं क्लास की वर्कशीट नंबर 62 को, जो कि 15 सितंबर के लिए है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट है बच्चों, ये आपका भूगोल का जो चैप्टर है उससे लिया गया है, और इसमें आप देखेंगे कि भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं उनके बारे में दिया गया है और उनकी विशेषता क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको बताया गया है। तो चलिए चलते इसको पढ़ते हैं। आप पढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपने पुरानी वीडियोज अगर नहीं देखी है, वर्कशीट नहीं सॉल्व कर पाए किसी कारण से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और छठी से आठवीं क्लास की प्लेलिस्ट में आपको डेट वाइज सॉल्व करके सोल्यूशन जो है समझा के वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये वीडियो की जो एक्टिविटी है, जो प्रश्न है, बाद में इसे सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कि लद्दाख। अब देखिए बच्चों, लद्दाख कहाँ है? ये पूरा आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन सरकार ने पिछले साल क्या किया कि इसको, ये जो एरिया है इसको लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब ये जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके इस तरफ देखिए चीन, यहाँ पाकिस्तान। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों पर बसा एक ठंडा रेगिस्तान है। बच्चों, ये ठंडा रेगिस्तान है, यानी यहाँ पे ठंड रहती है लेकिन ये रेगिस्तान है, यानी अनुपजाऊ है, और ये इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। अब चूँकि पहाड़ पर है, ठंडा रेगिस्तान है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पे पेड़ बहुत कम उग पाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने की जो स्थितियाँ होती हैं वह बहुत ही कठिन होती हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो क्या करते हैं लोग कि पीने के लिए जो गर्मी में जो यहाँ पे जो बर्फ़ पिघलती है उससे जो पानी, नदियाँ बहती, छोटी छोटी सरिताएँ निकलती हैं, उसी पर वो निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, और क्योंकि ऊपरी इलाका है यहाँ पे भेड़ अच्छी होती हैं, और एक खास किस्म की भेड़ पाली जाती है जिसका नाम क्या होता है, पश्मीना। और इसी पश्मीना भेड़ से पश्मीना ऊन बनाया जाता है जो कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं, और पश्मीना ऊन से क्या बुनी जाती हैं, पश्मीना सालें। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। तो ये लद्दाख के लोगों का जीवन कैसा है, क्या पालते हैं, भेड़, गाय और याक पालते हैं, पश्मीना ऊन बनाते हैं, और कैसे वो पानी ग्रहण करते हैं, कैसे कहाँ से उनको पानी का स्रोत कहा है, ये चीज़ें आपको बताई गई। लद्दाख कहाँ है हमने आपको ये देखिए मैप में ये बता दिया, ये पूरा लद्दाख है। अब अगला देखिए बच्चों, आपको बताया जा रहा है केरल के बारे में। ये जो एरिया है ये केरल है, भारत का एकदम दक्षिणी छोर। ये सबसे उत्तरी और ये सबसे उत्तर पूर्वी है, ये दक्षिण पश्चिमी है। तो हमने बताया दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कोने पर बसा है, समुद्र से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से इधर इधर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसाले केरल में पाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची यहीं उगाई जाती हैं। यहाँ पे एक कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसे इलायची पहाड़ियाँ ही बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, केरल में ही इलायची को अंग्रेजी में कार्डेमम बोलते हैं। यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक है। सबसे पहले अरबी और यहूदी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो जो ईसा मसीह के दूत संत थॉमस थे, जिन्हें सेंट थॉमस बोला जाता है इंग्लिश में, वो यहाँ पे 2000 साल पहले आए थे, ऐसा माना जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो केरल में कौन आया था, इब्न बतूता भी आया था, और यहाँ के जो मुसलमान समुदाय थे उनके बारे में उसने लिखा है। इसके अलावा वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी, वो भी यहाँ पे आया था। वो पुर्तगाली था और भारत में भी समुद्री यात्रा की थी। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे केरल क्या है। केरल दक्षिण पश्चिमी में बसा है, एक तरफ इसके सागर है, दूसरी तरफ इसके पहाड़ हैं। यहाँ पर मसाले लौंग, इलायची, ये सब काली मिर्च मिलती है, और यहाँ पर सबसे पहले यहूदी व्यापारी भी केरल आए थे, ईसा मसीह के अधर्मदूत संत थॉमस भी आए थे। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से एक बार फिर से दोहरा के पढ़ लीजिएगा। अब हम प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न क्या है कि
भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। अब देखिए बच्चों, ये इंडिया पॉलिटिकल भारत का राजनीतिक मानचित्र है, तो अपने आप को गृह राज्य चुनना है। ये देखिए, जैसे मैं यूपी का हूँ, रह रहा हूँ दिल्ली में, तो मान लीजिए मेरा गृह राज्य दिल्ली है, तो दिल्ली के बारे में लिखिए। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। क्या है? राजधानी। दिल्ली का ऐतिहासिक, यहाँ बहुत बहुत यहाँ कई सारी विरासतें हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का निवास यहाँ पर है, यहाँ पर लाल किला, हुमायूं टॉम्ब है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे जितनी भी चीज़ें आपको पता होंगी वो लिखिएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। अब जो मैंने बताया, जैसे आप दिल्ली में हैं तो उसे खोज के भरेंगे, और अपने गृह राज्य के बारे में, दिल्ली आपका मान लीजिए गृह राज्य है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे क्या क्या जानकारी है। जैसे अगर यूपी का है तो यूपी क्या है? यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी में गंगा, यमुना और घाघरा मुख्य नदियाँ हैं। यूपी का मैदानी इलाका है, यहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय है, यहाँ के लोग गाय भैंसे पालते हैं, यहाँ यूपी में आलू बहुत ज़्यादा उगता है, समझ गए? तो यूपी में बनारस और राम अयोध्या दो बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। अयोध्या राम, भगवान राम की जन्मस्थली है। तो ऐसे आप जो चीज़ें आपको जितना समझ में आएगा वो लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों, आपको ये प्रश्न देना है कि भारत की विविधता के बारे में, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। अब देखिए, मैंने विविधता के बारे में लिखा है और उस एकता क्या है उस पर आप जो है उसी को मैं थोड़ा समझाऊंगा और आप उसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, क्या है भारत में विविधता कैसे है। भारत में अनेक भाषा जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके खान पान रहन सहन में विविधता है। भारत में भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता भी भरपूर है। उत्तर में हिमालय तो दक्षिण में सागर है, बीच में पठार और अनेक नदियाँ इसी विविधता को बढ़ावा देती हैं। तो ये हो गया, लेकिन कैसे जो है एकता है, इन सबके बावजूद भारत में सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, एक हम भारतीय एक हैं, जाति धर्म के भेदभाव को बिना माने हुए भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा राष्ट्र एक है, सब एक दूसरे को एक मानते हैं। तो इस प्रकार से विविधता के होते हुए भी भारत में एकता है। तो ये आपको उत्तर लिखना है, समझ गए बच्चों? तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। आप वीडियो को दोबारा भी देख के, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख के उसको समझिए, उसके बाद नहीं समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे प्रश्न पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये पहुँच सके। आप सभी का धन्यवाद।